आप सभी को नमस्कार पूरे दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को जिसका इंतजार था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से टेस्ट टेस्ट मैचों का चार चार टेस्ट मैचों का टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है जिसका कि पहला मैच एडिलेड में है और हम हैं स्टडी मोशन के स्टूडियो रूम में और बल्ले बल्ले के, के एपिसोड को लेकर और मेरे साथ हैं हमारे त्रिवेणीगंज के सबसे तेज गेंदबाज सबसे सफल कप्तान और अपना नाम क्रिकेट के थ्रू चारों और जगमगाने वाले क्रिकेटर निरजन वर्मा आपका स्वागत है आपका भी स्वागत है है क्रिकेट में, में जो है, जैसे कि डे नाइट मैच का तो डे नाइट टेस्ट मैच का तो कोई शायद डे नाइट टेस्ट मैच है पहला एडी लेड में है ना hmm. तो डे नाइट की टेस्ट मैच का कोई कंसेप्ट नहीं था लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से डे नाइट मैच का भी देख रहे हैं कुछ ना कुछ एक आध एक मैच जो सभी सीरीजों में हो रहा है भारत अभी तो मेरे हिसाब से एक ही टेस्ट मैच खेला है डे नाइट सॉरी गुलाबी गेंद से गुलाबी गंज से एक ही मैच खेला है जो कि बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन में खेला गया था और भारत उसको इनिंग और शायद अठारह या उन्नीस रन से जीता था मैं सही हूँ ना तो क्या है इसका इम्पैक्ट मतलब क्या देखते हैं तो मैं तमाम दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा उसके बाद रही बात टेस्ट सीरीज की जो कि ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रही है जो कि बहुत दिनों से इंतजार था कोरोना काल में कि टेस्ट मैच हो टेस्ट मैच हो और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका इस सब से यदि इंडिया टीम खेलती है तो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ रहती हैं पाकिस्तान से तो हमारी हो नहीं रही है क्रिकेट तो वहाँ देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और, और इंग्लैंड का दौरा तो हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है इंडिया के लिए और वहाँ पे जा कर के जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करे उसी का आगे भी देखा जाता है कि बहुत बड़ा एकदम सितारा बन के उभरता है अभी यहाँ से दो चार खिलाड़ी जो नए गए हुए हैं वहाँ पर खेलने के लिए तो उससे ज़्यादा अपेक्षाएँ रहेंगी जैसा कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ निरंजन जी को बताना चाहता हूँ जो बेसिक डिफरेंस जो होता है रेड बॉल और पिंक बॉल में समझिए बेसिक डिफरेंस जो होता है तो रेड बॉल जो डाई है डाई किया हुआ होता है रेड बॉल को वन लेयर डाई होता है जबकि पिंक बॉल जो होता है जो गुलाबी कलर की बॉल आ रही है अभी अभी जो चेस्ट हमारी कल से हो गई में उसमें जो है डबल कोटेड पेंट रहता है डबल कोटेड पेंट रहता है तो डबल कोटेड पेंट रहने के कारण जो है बॉल को स्विमिंग स्विंग जो है बहुत देर तक मिलती है जैसे कि पहले हमारे टेस्ट मैच में जो थे बॉल को पुराना कर दिया जाता था फिर स्पिनर उस पर शुरू करते थे यानी कि बीस पच्चीस ओवरों में मतलब पहला सेशन में लेकिन इस इस बॉल में जो है पिंक बॉल में चूँकि ये डबल कोटेड पेंट रहता है तो इसकी चमक जो है ना बहुत देर तक बरकरार रहती है तो इसमें जो है फास्ट बॉलर जो है ये कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे पिछले मैच में और एक छोटी सी मुश्किल भारत के लिए ये भी है जो भारत के बल्लेबाज जो है ऑस्ट्रेलिया में खास करके बाहर जाती हुई तेज गेंदों को खेलने में थोड़ी सी उनको परेशानी आती है जैसा कि आप आप भी जानते हैं और मतलब देखे भी हम लोग इसे पहले और शॉर्ट बॉल को भी खेलने में परेशानी आती है और जब पिंक बॉल रहने से डबल कोटेड बॉल रहने से वो परेशानी कुछ ज़्यादा देर के लिए आएगी मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो भैया पहला सेशन निकाल लो दूसरा सेशन में हम लोग बैटिंग करेंगे अच्छे से यही ना आ, अब क्या है कि शाम तक जो है आपको थर्ड सेशन के लास्ट तक, तक थर्ड सेशन का लास्ट तक थर्ड सेशन का फर्स्ट कुछ ओवरों तक बॉल की चमक जाएगी ही नहीं समझ रहे मेरी बात को और उसके बाद जो है फर्स्ट सेशन का जो शाम होगा तो शाम में थोड़ी हवा का भी रुख थोड़ा चेंज हो जैसा कि आप जानते हैं रुख चेंज हो जाता है तो ये भारत के लिए बहुत मुश्किल रहने वाली है आपको क्या लगता है निश्चित रूप से गेंद काफ़ी देर तक स्विंग करती है लेकिन एक बार यदि पुराना हो जाए गेंद फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कोरोना काल में वो जो पहले जिससे लगा कर उसको साफ़ किया जाता था वो बंद हो गया है उसको साफ़ करना तो एक तरफ जो उसका साइनिंग बरकरार रखा जाता था वो बंद कर दिया गया है इसीलिए थोड़ा सा चमक तो जाएगी लेकिन रिवर्स विंग होने की कोई चांस नहीं है तो एक बार पुरानी हो जाए तो रन बनेंगे और साइनिंग रहने के बाद क्या होता है कि गेंद ज़्यादा देर तक मतलब ट्रेवल भी बहुत अच्छा से करता है और रन भी बनता है निश्चित रूप से यहाँ पे स्विंग को संभाल करके खेलना पड़ेगा दोनों ही टीमों को क्योंकि अब हमारे पास भी वैसे गेंदबाज हैं जो कि विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं निश्चित रूप से ये जो गेम होगा नाइट गेम ये गेंदबाजों का होने वाला है तो क्या मतलब कि अभी जो हम लोग अश्विन को देख रहे हैं कि आप, आप प्लेइंग एलेवन के बारे में बोल रहे थे जो प्लेइंग एलेवन डिसाइड हो गया है उसमें एक स्पिनर अश्विन को ही रखा गया है तो क्या मतलब कि स्पिनर को रखना जरूरी था या फिर हम चारों फास्ट बॉलर के साथ जाते दूसरी बात तीस दूसरी बात अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो है सात टेस्ट मैच खेली है डे नाइट और सात में सातों वो जीती है और बह, बहुत बेहतरीन तरीके से जीती है दूसरी तीसरी बात ये एक, एक दुख की बात यह भी है जो चार टेस्ट मैच डे नाइट खेला है वहाँ पर पिंक बॉल से पिंक बॉल से खेला है वहाँ पर सॉरी पिंक बॉल से खेला है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में जिसमें उन्होंने साउथ अफ्रीका इंग्लैंड उसके बाद पाकिस्तान जैसे टीमों को हराया है तो क्या लगता है आपको एडिलैंड में ऐसे ऐसे एक छोटी सी प्लस पॉइंट ये है हमारे साथ इंडियन टीम के साथ जो लास्ट मैच जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले थे वहाँ हम लोग जीत दर्ज की थी और एक बार हमने जीत दर्ज की थी राहुल द्रविड़ के कप शायद उस टाइम थे? थे दो हज़ार बारह दो हज़ार बारह अनिल कुंबले अनिल कुंबले के टाइम में जिसमें राहुल द्रविड़ ने दो हड़ा बनाया था उस समय हम जीते थे उस मैच को और राहुल द्रविद दो सौ तैंतीस रन ही बनाए थे तो वो दो मैच के अलावा हमने तीन मैच एडिलेड में ड्रॉ करने में सफलता पाई है जबकि सात हारे हैं तो आप प्रीवियस इतिहास और ऑस्ट्रेलिया के डे नाइट के डे नाइट और पिंक बॉल के इतिहास से मतलब क्या मतलब आपको क्या लग रहा है कितना परसेंटेज चांस है भारत को जीतने का या ड्रॉ करने का नहीं गेम का तो रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा और पिंक बॉल का आज तक आज तक जो भी हुआ है ना मैच मतलब जो भी मैच हुआ है पिंक बॉल से जो भी मैच हुआ है ना उसका रिजल्ट निकला ही निकला है और इसका भी निकलेगा ही लेकिन देखना ये होगा कि दोनों ही गेंदबाजों दोनों टीमों के गेंदबाजों में जिसके पास ज़्यादा क्षमता होगी वो बीस विकेट निकाल लेंगे और वो यदि बीस विकेट लग रहा है आपको किसके पास ज़्यादा क्षमता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में एडिलेड की पिच पे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को रखे और भारत में भारत के बॉलरों को रखे जैसे कि उमेश यादव शामी और मुमरा जी हैं तीन तीन बॉलर हैं वहाँ पे टीम पेन से के और जो हजलवुड भी शायद होंगे ही हेजलवुड का अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है वहाँ पे तो क्या देखते हैं आप किसकी किस किस कौन भारी लग रहा है आपको नहीं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना और वहाँ के एटमोस्फेयर से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का मतलब सामंजस्य अच्छा बैठेगा लेकिन यहाँ से जो गए हुए हैं हमारे खिलाड़ी चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो मोहम्मद शमी हो या फिर उमेश यादव हो तो यदि वहाँ पे अच्छे लाइनों पर गेंदबाजी करना शुरू कर दिए तो फिर इसको भी रोक पाना उतना ही मुश्किल होगा जितना कि आप कह रहे हैं हेजलवुड स्टार्क और पैट कमिंस दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से हैं तो उसको यदि रोकना मुश्किल है तो फिर इधर से भी मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव को रोकना मुश्किल होगा लेकिन इंडिया में इसको जो एडवांटेज मिलता है हमारे तेज गेंदबाजों को वही एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया में आस्ट्रेलियन गेंदबाजों को मिलेगा जीज़। जीज़। हमारे यहाँ आप देखिएगा कि पहले ज़माना में होता था कि यहाँ पे स्पिनर आए और लगातार विकेट निकालते थे लेकिन कुछ पिछले कुछ समय से हमारे तेज गेंदबाजों ने भी इंडियन पिचों पर जहाँ पे कहा जाता है कि इंडियन पिचों पे तेज गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं होता है वहाँ पे दूसरे विपक्षी गेंदबाजों जो कि हम हमारे यहाँ से ज़्यादा बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं चाहे वो एंडरसन हो फिर स्टार्क हो या पेट कमिंस उससे बेहतरीन गेंदबाजी की है इंडियन पिचों पर क्योंकि यहाँ उसका एटमोस्फेयर से घुला मिला हुआ जो रहता है ज़्यादा यहाँ पे कहाँ पे हमको पिच कराना है कहाँ से गेंद स्विंग होगा कहाँ से गेंद स्विंग करेगा ये उसी तरह से ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्विंग से ज़्यादा उछाल को ज़्यादा महत्व है क्या है कि वहाँ पर गेंद उछलती ज़्यादा है स्विंग से लेकिन ये नाइट मैच है तो यहाँ पे स्विंग भी करेगी और उछलेगी भी तो यहाँ पे कम लो स्कोर फर्स्ट इनिंग का होगा सेकंड इनिंग में जैसे कि वहाँ पे प्रैक्टिस मैच में भी देखा गया कि पहले इनिंग में दोनों ही टीमों ने एक टीम ने एक सौ छियानवे बनाया इंडिया ए ने और उधर से वो ऑस्ट्रेलिया ए ने फिर फिर प्रैक्टिस मैच में वही एक रन के आसपास हमारे गेंदबाजों ने उसे रोक दिया दूसरे इनिंग में दोनों ही बल्लेबाज दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ये देखने के लिए मिलेगा लेकिन सेकेंड इनिंग में जो बेहतरीन बल्लेबाजी करेगा वही टीम ज्यादा हमको लगता है मतलब तो। कि आप अगर आप कोच रवि शास्त्री को सजेस्ट करना चाहेंगे या विराट कोहली को तो क्या क्या बोलेंगे कुलदीप यादव खिलाने के अलावा क्योंकि बोल चुके आप नहीं कहते हैं रवि शास्त्री को तो आप ही सजेस्ट कर सकते हैं <laughs> <laughs> मैं क्या कहूँ उनके लिए तो निश्चित रूप से कल का मैच के लिए जहाँ तक एग्रेसन का बात है टेस्ट मैचों में अग्रेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आपको लगातार पांच दिनों तक अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करना रहता है तो उसको वहाँ पे मतलब विराट कोहली है तो फिर मोटिवेशन के तौर पे विराट कोहली को देखा ही जाता है वो अपने खिलाड़ियों को पूरा ऊर्जावान रखेंगे और खेल क्रिकेट देखना है कि कल से शुरू होने वाले टेस्ट में किस तरह से परफॉर्मेंस कर पाती है टीम और यहाँ से कितना आगे तक लेके जाती है अपनी टीम को क्योंकि इसके बाद तो शायद कोहली अगले मैच में नहीं खेले और क्या छोड़ के जाते हैं कोहली रोहित शर्मा के लिए या फिर अजिंक्य रहाणे के लिए कोहली को भी कुछ बहुत कुछ इस मैच में दे करके जाना पड़ेगा फिर देखने वाली बात यह है कि जो लगातार सात टेस्ट मैचों की जीत को भारत रोक पाती कि नहीं रोक पाती है और दूसरी बात यह है जो जैसा कि निरंजन जी बता रहे थे कि जो पहला टेस्ट मैच बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो वो एक मतलब कि मोमेंटम सेट कर देगा भविष्य के मैचों के लिए और सिडनी मेलबर्न वगैरह में हम लोग अच्छा खेले और एडलैंड में भी अच्छा खेले हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि भारत जीते अगले पाँच दिन बेहतरीन क्रिकेट तो कल का मैच निरंजन जी बल्ले बल्ले इंडिया के लिए आप अगर आप वीडियो देखते हैं हमारा तो उससे कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी करें अपने अपने वाल पे और कोई गलती हो गई हो हमारे एक्सपर्ट से या हमसे या हमारे एडिटर से या किसी से तो जरूर बताएं ये हम लोगों को बहुत हौसला देती है बहुत बहुत धन्यवाद स्टेट ट्यून स्टडी इमोशन बल्ले बल्ले